ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आखिरकार आपका दुश्मन कौन है और इस दुश्मनी की वजह से आपकी परेशानियां बहुत हद तक बढ़ सकती है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि कुछ दुश्मन तो हमें पता है कि यह हमारे दुश्मन है, लेकिन ज़्यादातर जातकों को ये पता ही नहीं होता है कि यह भी हमारे दुश्मन है। तो हमें 10 शत्रुओं के बारे में पता होता है, लेकिन 90 शत्रुओं के बारे में नहीं पता होता है और हम इन शत्रुताओं के बीच में घिर जाते हैं। तो कौन है आपका शत्रु, और अगर शत्रु है तो उसके लिए कौन सा उपाय किया जाए जिससे आपके शत्रुओं का विनाश हो, नाश हो और कभी भी आपको शत्रुता का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है प्यार सपोर्ट करने के लिए। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें, हर हर महादेव लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, लेकिन भोलेनाथ का नाम कमेंट्स में जरूर लिखना है। अगर कोई भी प्रश्न जो जीवन में आपको तकलीफ या परेशानी में डाल रहा है या भविष्य की कोई चिंता आपको खा रही है, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। दोस्तों, कभी भी आपको जाने और अनजाने में शत्रुता होने के पीछे मुख्यतः वजह होती है कि आप छोटी सी परेशानियों, छोटी छोटी तकलीफों में बहुत परेशान हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम इतनी जल्दबाजी मचाने लग जाते हैं, इतनी हड़बड़ाहट हो जाती है कि हम जो चीज़ें बहुत सामान्य तरीके से बन सकती थी, उस हड़बड़ाहट की वजह से एक नई परेशानी क्रिएट करके एक शत्रुता को हमने जन्म दे दिया। तो कभी भी कोई भी परेशानी हो, अपने दिमाग को हमेशा शांत रहें। परेशानी अपनी जगह है और मेंटल हेल्थ हमारी जगह है। दूसरी बात है कि जो लोग आपके सामने किसी की चुगली करते हैं, किसी के बारे में बुरी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी अपने विचार एक्सप्रेस ना करें, क्योंकि आपने विचार एक्सप्रेस किए इनके सामने, इन्होंने सामने वाले को अपनी तरह से बातें जोड़कर बता दी और यहाँ शत्रुता खड़ी हो गई। तीसरे, वो लोग जो आपको लालच दे रहे हैं, अगर लालच दे रहे हैं तो वो शत्रुता को जन्म जरूर देंगे। और चौथा, धन, धन लेन देन, ये सभी चीज़ें शत्रुता को जन्म इस युग में दे रही है। इसलिए धन के लेन देन में कानूनी तरीके की सभी चीज़ें जरूर करें, जो भी लिखा पढ़ी या जो भी आप दस्तावेजीकरण हो सके लीगली अपनी सेफ्टी के लिए जरूर करें, इससे शत्रुता से आप बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शत्रुता की वजह है आपकी जुबान, कभी भी गुस्से में, तेज में कुछ भी ना बोलें, खुद को शांत रखें। ओम नमः शिवाय।